हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एजुकेशन विजन 51 चैनल से। मैं चंदन चक्रवर्ती। चलिए आज हम लोग बायोलॉजी का पोर्शन देखेंगे और उसमें बायोलॉजी में हम लोग देखेंगे मानव रोग, जिसे हमेशा अक्सर क्वेश्चन उसे पूछ लिया जाता है, ताकि मानव रोग से आपको क्वेश्चन एग्जाम में गलत ना हो। इसलिए आज हम लोग उस मानव रोग को हम लोग देखेंगे कि कौन किससे बीमारी होता है। चलिए आज हम लोग देखेंगे मानव रोग। मानव रोग देखिए फ्रेंड्स, मानव रोग जो है ना, कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें जीएस जीके हो और उसे बायोलॉजी से जो मानव रोग टॉपिक है उससे क्वेश्चन आपको देखने को न मिले। इसलिए मानव रोग को आप लोग इसे पढ़कर ही जाना है। इसे हमेशा अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा, इसलिए दो या तीन क्वेश्चन मानव रोग से देखने को मिल जाता है, ताकि यह नज़दीक में जो बिहार पुलिस का वैकेंसी है वो उसमें भी जीएसडीके का वेटेज ज़्यादा रहता है और उसे मानव रोग से क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चाहे आपको एसएससी उठा लीजिए या रेलवे उठा लीजिए, उसे हमेशा ही मानव रोग से क्वेश्चन फिक्स ही रहता है। चलिए आज हम लोग मानव रोग को देखेंगे। देखिए अब हम लोग देखेंगे कि प्रोटोजुआ से होने वाला रोग, प्रोटोजुआ से होने वाला रोग प्रोटोजुआ से वह कौन कौन सा रोग है जो इसे प्रोटोजुआ से होते हैं, तो चलिए उसे हम लोग देख लेते हैं। जैसे पेचिस हो गया, ये भी प्रोटोजुआ से होता है। पेचिस हो गया, कालाजार हो गया, कालाजार, मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, पायरिया हो गया। देखिए इतना जो बीमारी है ना, तो यह प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है। इसमें से आपको दे देगा कि इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो आपको इसमें से एक उठाकर उसमें ऑब्जेक्टिव में डाल देगा और उसे तीन ऑप्शन और रोग से डाल देगा। तो इसमें से हम लोग याद रखेंगे कि प्रोटोजुआ से होने वाला रोग पेचिस है, कालाजार है, मलेरिया है, सोने की बीमारी है और एक पायरिया है। अब इसे हम लोग देखेंगे कि अब कवक से होने वाला रोग, ये एक नंबर हो गया। अब दो नंबर में हम लोग देखेंगे कवक से होने वाला रोग वह कौन कौन सा है जो कवक से होता है। एथलीट फुट या इसे हम लोग एविजम कहते हैं। अगर एथलीट फुट आपको ऑप्शन में नहीं देगा तो इसे हम लोग एविजम कर देंगे। एविजम और दाद भी कवक से होता है। दमा भी कवक से होता है और खुजली और गंजापन, ये सब आपको रोग कवक से होने वाला रोग है। एथलीट फुट, इसे एविजम भी कहते हैं, दाद, दमा, खुजली और गंजापन, ये कवक से होने वाला रोग है। अब हम लोग देखेंगे कि जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, तो इसे हम लोग साफ करेंगे। अब देखेंगे हम लोग वो कौन कौन से जो रोग है जिसे
जीवाणु से होने वाला रोग है। जीवाणु से अधिकांश क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। हम लोग देखेंगे जीवाणु से होने वाला रोग। जीवाणु से होने वाला रोग, होने वाला रोग, जीवाणु से होने वाला रोग वो कौन कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है। इसे हम लोग तीन नंबर में देखेंगे कि जीवाणु से कौन कौन सा वो रोग है जो जीवाणु से होता है। देखिए इसको फ्रेंड्स हम लोग एक ट्रिक से याद रखेंगे, ट्रिक से याद रखेंगे इसको। देखिए ट्रिक है डिस्प्ले, डिस्प्ले सिटी, सिटी का कुटनी, कुटनी है डिस्प्ले सिटी का कुटनी है। तो इसे हम लोग ट्रिक से याद रखेंगे कि जीवाणु से होने वाला रोग था इसे डिस, डिस हो गया कौन सी डिप्थीरिया, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया। हम लोग प्ले, प्ले से प्लेग, प्लेग। सी से सार्फलिस, सार्फलिस, सार्फलिस। टी से टिटिनस, टिटिनस। और क से काला खांसी, काला खांसी, क से काला खांसी। और कु से कुष्ठ रोग होता है, कुष्ठ रोग होता है। उसके बाद ट से कौन सा होता है टाइफाइड, टाइफाइड। और नी से निमोनिया, निमोनिया जो बच्चों में होता है निमोनिया। और ह से हैजा हो जाएगा, हैजा। देखिए टाइफाइड या इसे हम या टीबी आपको दे देगा जो ऑप्शन में देगा। देखिए जीवाणु से होने वाला रोग कौन कौन सा है, डिस्प्ले, डिस्प्ले सिटी का कुटनी या डिस्प्ले सिटी का कुटाई भी आप लोग इस तरह भी ट्रिक बना सकते हैं, अपना से भी ट्रिक बना सकते हैं। तो देखिए डिस्प्ले से, डी से डिप्थीरिया, प्ले से प्लेग, सी से सार्फलिस, टी से टिटनस, का से काला खांसी, उसके बाद कु से कुष्ठ रोग, ट से टाइफाइड या टीबी, ह से हैजा, ह से हैजा, उसके बाद न से निमोनिया। तो चलिए आज हम लोग यहीं तक रुकेंगे और अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि विषाणु से होने वाला रोग कौन कौन से है। आज हम लोग इसी पर क्लास तक क्लोज करेंगे। चलिए जय हिंद।